अभी कुछ ही टाइम पहले एक मूवी आई थी बाय द नेम ऑफ कंतारा, जो मूवी डिवाइन पावर्स के ऊपर बेस्ड थी। कर्नाटका के कोस्टल एरियाज में जो गांव है वहाँ इन देवताओं को पूजा जाता है। कहते हैं कि ये जो देवता है इनके दो रूप होते हैं, एक देव आत्मा और दूसरा प्रेत आत्मा। देव आत्मा का नाम है पंजुरली और प्रेत आत्मा का नाम है गुल्लीगा। ये देवता उन गाँव वालों की रक्षा करते हैं, साथ ही गाँव वालों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। इन सभी गाँव में से कुछ गिने चुने ऐसे इंसान होते हैं जिनके अंदर ये देवता आते हैं। ये सिर्फ कर्नाटका स्टेट की बात नहीं है, इंडिया में हर स्टेट में इसी तरह कुछ लोगों के अंदर देवी देवता प्रवेश करते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से आप लोग जानते हो, तो वहाँ ना ये बहुत माना जाता है। जैसे वहाँ साक्षात देवता अपने रूप दिखाते हैं, डांस करते हैं, लोगों की परेशानियों को सॉल्व करते हैं। अब इतने सारे लोगों की मान्यता है, हर कोई तो गलत नहीं होगा, मगर साइंस के हिसाब से ये सब पागलपन है। इनफैक्ट कुछ पढ़े लिखे लोग इसको मेंटल डिसऑर्डर बता देते। तो आइए एक डीप इन्वेस्टिगेशन करते हैं और गहराई में जाके उन सभी राजों को खोद कर बाहर निकालते हैं जो सालों से दफन है, और प्रूफ के साथ आज इस डिबेट को खत्म करते हैं। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर से कनेक्टेड एक कस्बा है झूलाघाट। आप लोग इसके बारे में भले ही ना जानते हो, मगर यहाँ एक मंदिर है, तालेश्वर मंदिर। इस मंदिर से रिलेटेड एक इंसिडेंट बताता हूँ जो हाल फिलहाल में हुआ था। मंदिर पूरा जंगल से घिरा हुआ है। तो क्या हुआ ना कि एक दिन एक लेडी वहाँ से जा रही थी, तो एक चोर आया और उस औरत से लूटपाट करके गले का मंगलसूत्र, कानों के सोने के कुंडल छीन ले गया। लूटपाट करते समय वो लेडी बेहोश हो गई और जब उसको होश आया तो एक दो घंटे बीत चुके थे। वो जैसे तैसे करके गाँव वालों के पास पहुंची और उसने गाँव वालों को सब कुछ बताया और ये बोला कि मेरी हालत बहुत खराब है, मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ। अब गांव में क्या होता है कि गांव में एकता होती है, तो वहां पर क्या हुआ कि हर कोई चोर को ढूंढने में लग गया। करीबन दो घंटे हो गए थे उस चोरी को हुए और उसके बाद भी वो लोग चोर को ढूंढ रहे थे। सबको लगा चोर तो भाग गया होगा, दो घंटे हो गए। तभी एक झाड़ी हिलने की आवाज आई, वो झाड़ी कांटेदार पत्तों से बनी थी, बिच्छू घास बोलते हैं जिसको। जब देखा गया तो पता चला कि एक आदमी उसमें पड़ा हुआ है, मुंह से झाग फेंक रहा है, उसके हाथ पांव में जान नहीं है, ऐसा समझो वो पैरालाइज हो चुका है। उस महिला ने उसको देखते ही पहचान लिया और उसने कहा यही है वो चोर, और वहीं पे चोर को पकड़ लिया गया। जब चोर से पूछा गया कि भाई तुम भागे क्यों नहीं, तुम्हें हुआ क्या था, तुम झाड़ी में कैसे गिरे, तो उस चोर ने बहुत ही शॉकिंग बात बताई। उसने कहा कि जैसे ही मैंने तालेश्वर मंदिर को क्रॉस किया तो मेरे हाथ पांव लगने बंद हो गए, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था, आंखों के सामने काला आने लगा और मेरे हाथ पांव बिल्कुल चल ही नहीं रहे थे। उसने कहा मैं एक तरीके से पैरालाइज हो गया और खुद से उस झाड़ी में जा गिरा, जिसके बाद मेरे मुंह से झाग आने लगा। कहते हैं कि आज भी वो चोर उसी हालत में है। तो ये शक्ति है उत्तराखंड के देवताओं की, और ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, कई सारे किस्से ऐसे हैं जो अगर मैं बताने बैठूं तो वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी। देवताओं की इतनी पावर होती है कि कांड करते ही न्याय देवता खुद कर देते हैं। लोग उन पर इतना भरोसा करते हैं कि हर एक प्रॉब्लम उनसे शेयर करते हैं, जिसके बाद देवता एक टाइम लिमिट देते हैं जिसके अंदर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। देवता किसके शरीर में प्रवेश करेंगे ये वो खुद चुनते हैं। देवता जब आते हैं तो इतनी एनर्जी के साथ आते हैं कि पूरा शरीर कांपने लग जाता है। पावर इतनी होती है कि जिस इंसान में देवता आया है वो इंसान अगर आग में भी बैठ जाए तो उसे कुछ नहीं होगा। वहीं पर साइंस इसको कैसे डिफाइन करता है, अकॉर्डिंग टू साइंस ये सभी मेंटली इल हैं, यानी पागल हैं। जो भी पॉजिटिव फॉर्म है वो सभी स्किज़ोफ्रेनिया नाम के ब्रेन डिसऑर्डर की चपेट में है, जिसमें उनको ये लगता है कि हमारे अंदर किसी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। वो हेलुसिनेट करने लग जाते हैं, इनफैक्ट वो काफी बार ऐसी चीजें बोलने लगते हैं जिसका दूर दूर तक उनसे कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे होता ना कि किसी इंसान के अंदर कोई आत्मा आई और कहने लगी आज से 100 साल पहले पीपल के पेड़ के पीछे मुझे मारा गया और मैं बदला लेने आया हूँ, मेरा नाम गोपाल है। आपने अक्सर ये सब सुना होगा, ये देखा होगा मूवीज में, ये सब जाता है। एक और बात, जैसे अगर किसी इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है तो उसे फॉल्स बिलीव्स होने लगते हैं, जैसे कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है जैसे वर्ल्ड वॉर या भूकंप सुनामी, वो ऐसी बातें करते रहते हैं जिनका रियलिटी से कोई भी मतलब नहीं होता। यूट्यूब पे भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप मानेंगे नहीं, कुछ लोग यूट्यूब में कहते हैं वो कल की अवतार है। इनफैक्ट कुछ 5 साल पहले एक न्यूज आई जिसमें गुजरात के गवर्नमेंट ऑफिसर ने काम पे जाना ही बंद कर दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो मानता है कि वो ही कल की अवतार है, और न्यूज वाले भी भर भर के उसका इंटरव्यू लेने लगे क्योंकि उनके पास और कोई काम करने के लिए है ही नहीं। राजकोट में सरदार सरोवर पुनर्वास एजेंसी के इंजीनियर रमेश चंद्र फिफर 8 महीने से ऑफिस नहीं आ रहे हैं, इसलिए इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के जवाब में रमेश चंद्र ने लिखा कि वो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है और आने वाले दिनों में इसे साबित भी वो कर देंगे। जबकि आप और मैं समझ चुके हैं ये पागल है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है जिसमें इसको लगता है कि ये ही कल की अवतार है, तो इसका इंटरव्यू लेने के बजाय तो इलाज कराओ। इसी तरह कुछ वुमेन्स काली माँ का अवतार ले लेती हैं, जीभ बाहर फेंक दी और खप्पड़ लेके नाचने लगी, किसी के अंदर तो हनुमान जी ही आ गए, और शॉकिंग बात यह है कि कुछ लोग हाथ जोड़ के बैठे भी हुए हैं। अरे मूर्खो अपना दिमाग तो लगाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस गंदे शरीर में काली माँ या हनुमान जी आएंगे? इंसानी शरीर पापी शरीर होता है और उसमें भगवान कभी नहीं आ सकते, और पता नहीं कैसे लोग इनको सच मानते हैं। क्या लगता है हनुमान जी की वो
शक्ति हनुमान जी का वो बल एक इंसानी शरीर संभाल पाएगा? हनुमान जी को रावण जैसा नहीं संभाल पाया तो तुम कौन हो भाई? तो एक बात तो साफ हो गई कि भगवान इंसानी शरीर में नहीं आ सकते। ये जितने भी लोग जीभ निकाल के मुंह फुला के खुद को भगवान क्लेम कर रहे हैं ये सभी पागल है, इनको इलाज की जरूरत है। इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझाऊं तो एक टर्म मेडिकल साइंस में है DID, यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस एक इंसान अपने अंदर मल्टीपल आइडेंटिटीज को छुपा सकता है जो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे ही बाहर आती है। जैसे अगर उस रूप को बाहर लाना है तो माहौल उसके फेवर का बनाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे काली माँ अगर किसी के शरीर में आई तो इसीलिए आई क्योंकि वो इंसान उसे लाना चाहा। उसने ये सब इतना सोचा कि उसको ही खुद अपने अंदर काली माँ नजर आई। एक्चुअली में वो है नहीं, उसको ये लगता है कि वो ही काली माँ है। और उसके ऊपर मंदिर का माहौल जोड़ दो, उस इंसान को पहले ही काली माँ समझ लो, घंटी बजाओ, गाना गाओ, पूरा माहौल ऐसा बना दो कि वो अपनी उस आइडेंटिटी को ही बाहर ले आएगी। जैसे अभी कंतारा मूवी आई थी तो एक इंसान थिएटर में ही कांपने लगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मूवी ने उसे ट्रिगर किया, थिएटर का माहौल ऐसा बन गया, मूवी में ऐसे सीन्स आए जिसके वजह से वो खुद ही ट्रिगर हो गया और कांपने लग गया। क्या इसका मतलब यह है कि जितने भी लोग क्लेम करते हैं उनके अंदर देवता के आने का, वो सभी या तो पागल हैं या फेक हैं, नौटंकी करते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ये ऐसा है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वही हिसाब है। कुछ लोगों के अंदर एक्चुअल में ये पावर्स होती हैं, मगर देखा देखिए मैं कुछ लोग इसी का गलत फायदा उठाते हैं। मैंने खुद देवताओं की पावर को तब एक्सपीरियंस करा जब मैंने देखा कि भाई एक माता की डोली को जिसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सजाया जाता है वो खुद मूवमेंट कर रही थी। दो लोग उस डोली को कंधे में पकड़े हुए थे और डोली नाच रही थी। माना जाता है उस समय उस डोली के अंदर माता होती है। तुम्हें मे बी ये फेक लगे, बट जब तुम खुद जाओगे ना, सामने से देखोगे, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। डोली खुद कांप रही थी और उसको संभालने के लिए सिर्फ दो लोगों की जरूरत होती है। पता है लोग इन पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि देवता उनको उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देते हैं। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ इसलिए मैं पर्सनली आप सबको ये बता सकता हूँ, उत्तराखंड में देवता सच में है। दिक्कत यह है कि कुछ कपटी लोग इसे बिजनेस बना के आपको बेवकूफ बनाते हैं, जिसकी वजह से असलियत भी झूठी लगने लगती है। जैसे सड़कों पे आपको डोली लेके कुछ लोग मिल जाएंगे जो जानबूझकर डोली को हिलाते हैं और पैसे वसूल करते हैं। अब इनको जब पकड़ के सजा दी जाती है तो असली डोली पर भी सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। एक और बात, कोई भी भगवान जैसे काली माँ, हनुमान जी, शिव जी किसी मनुष्य के शरीर में डायरेक्टली नहीं आ सकते, मगर उनके गण सेवक जरूर इंसानी शरीर में आ सकते हैं। जैसे उत्तराखंड में गोलू देवता, गंगनाथ बाबा और भी कई देवता हैं जिनकी एक कहानी रही है और वो इसी लोक में हमारे साथ हैं, इसीलिए वो इंसानी शरीर में आ सकते हैं। कुछ चीजें ना साइंस से ऊपर भी होती है। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ, मुझे आपको जो बताना था मैंने बता दिया, मानना ना मानना आपके ऊपर है। बाकी जिसको एक्सपीरियंस करना है कभी आइए हमारे उत्तराखंड, सारे डाउट्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे।